भारत की आज़ादी में अहम भूमिका अदा करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में लक्ष्मी सहगल का नाम भी शामिल है। सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी रहे कैप्टन लक्ष्मी सहगल शुरुआती दिनों से ही भावुक और दूसरों की मदद करने वाली रही। पेशे से लक्ष्मी सहगल एक डॉक्टर थी। 1940 में वह सिंगापुर चली गई। वे चाहती तो सिंगापुर में रहकर चिकित्सा के क्षेत्र में अपने करियर को और आगे बढ़ा सकती थी। वहाँ उन्होंने गरीब भारतीयों और मजदूरों की सेवा करने के लिए चिकित्सा शिविर चलाए और उनका इलाज शुरू कर दिया। इसी दौरान एक दिन वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिली और आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई। सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधा से कंधा मिला आज़ाद हिंद फौज में रहते हुए लक्ष्मी सहगल ने कई सराहनीय काम किए। उन्हें जिम्मेदारी मिली फौज में महिलाओं को भर्ती होने के लिए प्रेरित करना और उन्हें फौज में भर्ती कराना। लक्ष्मी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। जिस जमाने में औरतों का घर से निकलना अच्छा नहीं समझा जाता था, उस समय उन्होंने 500 महिलाओं की एक फौज तैयार की जो एशिया में अपनी तरह की पहली महिला फौजियों की विंग थी। उनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की महिला बटालियन रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नाम से कई जगहों पर अंग्रेजों से मोर्चा लिया और अंग्रेजों को बता दिया कि देश की नारियां ज़रूरत पड़ने पर बंदूक उठाकर दुश्मनों का सामना कर सकती है।